हो गया। चलिए अगला चैप्टर आप निकालिए उषा। उषा क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लेखक के बारे में, शमशेर बहादुर सिंह। सबसे पहले इनके बेसिक जानकारी को प्राप्त करिए। जन्म के बारे में यहाँ पर दिया गया है, 13 जनवरी 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। निधन याद रखेंगे 1933 ईस्वी में इनका जो है 93 ईस्वी में, तो 1993 में अगर इसका निधन हो गया। इसके जन्म स्थान के बारे में देख सकते हैं, देहरादून उत्तराखंड। उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य है जो हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत आता है मुख्य रूप से, मतलब लगभग लगभग हिंदी ही वो लोग बोलते हैं क्योंकि उत्तर भारत में है, तो उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य हिंदी ही जानते हैं, बोलने का काम करते हैं। माता पिता के बारे में याद रखेंगे कि प्रभु देई एवं तारिफ सिंह। प्रभु देई इनके माता का नाम है और तारिफ सिंह इनके पिता का नाम है। कलेक्ट्रेट में जो है रीडर और साहित्य प्रेमी थे इनके पिताजी। कलेक्ट्रेट क्या है, जैसे दरभंगा कोर्ट है ना, तो वहां पर रीडर का काम करते थे, वो भी अपने कलेक्ट्रेट में रहे होंगे। और साहित्य प्रेमी मतलब साहित्य के बारे में जो कविता कहानी उसे ज्यादा रुचि रखते होंगे। शिक्षा के बारे में बात करेंगे, शमशेर बहादुर सिंह की शिक्षा के बारे में। 1928 ईस्वी में हाई स्कूल इन्होंने किया, यानी कि मैट्रिक का एग्जाम मतलब ये इन्होंने पास किया होगा। और 1931 ईस्वी में इंटर, 1933 ईस्वी में बीए किया था इलाहाबाद से, और 1938 ईस्वी में एमए, ठीक है। और ये एमए अंग्रेजी में किया था, आगे जो है पढ़ाई न चल सकी। एमए के बाद इन्होंने क्या कर दिया, पढ़ना ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। उस समय में एमए तो बहुत ज्यादा हो गया पढ़ाई, ठीक है। पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे, तो 1929 ईस्वी में धर्म देवी से इनका जो है विवाह हुआ और 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर परिवार विहीन जो है निश्चिंत जीवन, परिवार उरिवार एकदम छोड़ ही दिए इन्होंने और अकेला जो है जीवन जीना इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसके बाद बात करेंगे वृत्ति के बारे में। वृत्ति का मतलब है कि क्या क्या काम इन्होंने करने का काम किया, ठीक है। रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियां और संपादन कार्य से जुड़े। संपादन कार्य जैसे पेपर वगैरह का संपादन होता तो उसमें भी लिखने वगैरह का काम ये करते होंगे। उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन, उर्दू हिंदी कोश मतलब उर्दू हिंदी डिक्शनरी, जैसे हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी आता है ना, तो ऐसे उर्दू हिंदी डिक्शनरी भी इन्होंने लिखने का काम किया। 1981 से 85 तक जो है प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के ये अध्यक्ष रहे, ठीक है। इसके बाद है यात्रा, तो 1978 ईस्वी में सोवियत रूस का यात्रा किया था। उस टाइम पर सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, अभी सीधा रूस के नाम से जाना जाता है, तो रूस का यात्रा इन्होंने किया था 1978 ईस्वी में, याद रखेंगे। कृतियां यानी कि इनके द्वारा लिखे गए जो रचना है उसके बारे में, तो 1932-33 में लिखना इन्होंने शुरू किया था। और दूसरा सप्तक इसका जो रचना है 1951 में प्रकाशित हुआ, कुछ कविताएं 1949 में, कुछ और कविताएं जो इनका रचना है वो 1961 में, चुका भी नहीं हूं मैं ये 1975 में इसका प्रकाशन हुआ, इतने पास अपने 1980 में, उदिता जो बुक है वो भी 1980 में ही प्रकाशित हुआ था, बात बोलेगी, तो बात बोलेगी रचना 1981 में आया था। इसके बाद काल तुझसे होर है मेरी, काल तुझसे होर है मेरी ये 1982 में इस बुक का प्रकाशन हुआ था। टूटी हुई खिड़की, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून, सुन रहा हूँ सुकून की तलाश ये गजल है, ये गजल भी इन्होंने लिखने का काम किया। प्रतिनिधि कविताएं जो है स्वर्गीय डॉक्टर नामवर सिंह सभी कविताएं उन्हीं के आधार पर ये लिखने का काम करते थे। डायरी आप लोग जानते हैं, डावरी है, डायरी है, तो डायरी भी इन्होंने लिखने का काम किया। विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचना भी जो है फुटकर रूप में प्रकाशित, फुटकर रूप में प्रकाशित का मतलब है कि कहीं कोई बड़े से प्रकाशक से नहीं प्रकाशन किया, फुटकर मतलब छोटे स्तर पर उनका प्रकाशन हुआ, ये चीजें आप याद रखेंगे। अब इनके बारे में कुछ बातें जो दी गई है उसको समझिए। क्या दिया गया, अज्ञेय का नाम सुना होगा आपने,
आगे का पूरा नाम बताओ। हाँ, हीरानंद सचिदानंद वातस्यान अज्ञेय, ठीक है। तो अज्ञेय है एक व्यक्ति, दूसरा नागार्जुन आदि के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंद चेतना के प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा शतक में उदित हुए थे। मतलब इनके समय के ही कवि हैं अज्ञेय, नागार्जुन, और ये जो है फेमस हुए थे दूसरा शतक, शतक बुक के कारण। दूसरा शतक जो बुक है इसके कारण ये फेमस हुए थे। बीसवीं सती के उत्तरार्ध में, ठीक है, सतत प्रयोग धर्मी श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि के रूप में उन्होंने व्यापक प्रतिष्ठा अर्जन की, यानी कि बहुत ही फेमस हुए। प्रतिष्ठा अर्जन करने का मतलब है इज्जत प्रतिष्ठा इनको ज्यादा मिला। उन्होंने लिखना 30 के दशक में ही शुरू कर दिया था, यानी कि 1930 ईस्वी के आसपास से ही लिखना शुरू कर दिया। किंतु हुआ क्या, आजीविका, आवास, पारिवारिक जीवन आदि के और निश्चय, आजीविका मतलब इनके पास पैसा वगैरह का भी कोई साधन नहीं था, रहने को घर भी नहीं था। पारिवारिक जीवन देखो, कुछ ही दिन के बाद पत्नी का मृत्यु हो गया। इस सब के कारण, इस सभी समस्या के कारण जो है वो प्रकाशन नहीं हो पाया। अभाव तथा प्रकाशन को लेकर उदासीनता, मतलब इतना समस्या था इनके जिंदगी में कि किताब को रिलीज करने के बारे में सोचते ही नहीं थे, ठीक है। भरे विशिष्ट स्वभाव के कारण उनकी कविताएं पुस्तककार सती के उत्तरार्ध में ही आनी शुरू हुई, यानी कि जो पुस्तक के रूप में इनका कविता लिखा गया वो कौन सी सदी का बात किया, पुस्तककार सती के रूप में, यानी कि अंतिम जो सदी है 50 जो 1950 ईस्वी के आसपास ही इनका किताब छपना शुरू हुआ। शीघ्र ही शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के विशिष्ट और प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। प्रतिष्ठित होने का मतलब फेमस हो गए बहुत जल्दी, ये जैसे किताब आया उसके बाद। विशिष्टता उनके लेखन में कवि और काव्य के स्वभाव एवं आग्रहों के कारण निरूपित हुई। ये फेमस इसीलिए हो पाए क्योंकि इनमें कवि वाला गुण था और स्वभाव भी वैसा ही था। वे कवि और शायर एक साथ थे, यानी कि कविता भी लिखते थे और शायरी भी लिखने का काम करते थे। स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, तथा वस्तुवादी यथार्थवाद और कलावादी रूपवाद, इन सबका एक ऐसा विलक्षण गोल उन्होंने अपनी सृजनात्मकता में तैयार किया जिसमें इन सब की सीमाएं नहीं, यानी कि आप कह सकते हैं ना कि सीमा को पार कर के भी, मतलब इतना काम इन्होंने किया इस सब क्षेत्र में, सीमाएं नहीं, शक्ति सक्रिय और मुखरित हुई, यानी कि बहुत ज्यादा इन्होंने इसमें काम करने का काम किया। हिंदी और उर्दू को तथा उनकी कविता शैलियों को, संस्कृतियों को उन्होंने एक माना ही नहीं, कहा कि देखो हिंदी और उर्दू एक है ही नहीं, इसका संस्कृति अलग है, कविता लिखने का तरीका अलग है, जाना और अनुभव भी किया, उसको जाना भी और अनुभव भी किया हिंदी को और उर्दू को। तब तो जाकर के हिंदी उर्दू का डिक्शनरी इन्होंने ये प्रकाशित किया था, यानी कि उर्दू का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। कवि के लिए दो नहीं, ये जो दो भाषा है हिंदी और उर्दू, इनके लिए कोई दो भाषा नहीं थी, एक है, मतलब दोनों एक ही था। इसी रूप में शमशेर के यहाँ उनकी अभिव्यक्ति भी होती है, यानी कि अभिव्यक्ति होने का मतलब है कि हिंदी और उर्दू दोनों रूपों में इन्हें जाना जाता है। भेद है सिर्फ शैली का, ऊपरी, वो भी ऊपर ऊपर से, शैली मतलब लिखने का तरीका, हिंदी को लिखने का तरीका अलग होता है, उर्दू को लिखने का तरीका अलग होता है। भीतरी एकता अखंड और अक्षुण्य है, अंदर ही अंदर दोनों सेम ही है, ऐसा इतना सेम है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता, अखंड का मतलब वही होता है। उर्दू काव्य और आधुनिक हिंदी काव्य की विरासत को उन्होंने मिजाज, रंग, स्वर, लय और, ठीक है, भंगिमाओं के साथ अपनी खास संवेदना और कल्पनाशीलता के गहरे सहारे अपने ढंग से जो है आत्मसात किया, यानी कि उस चीजों को अपने तरीका से आत्मसात, यानी कि अपनाने का कोशिश इन्होंने किया है। उनके समकालीन जहां छायावाद से खुद को
हाँ, विल गाने और अलग थलग विशिष्ट दिखने के प्रति आग्रहशील रहे, यानी कि उनके समकालीन का मतलब है कि इनके समय के जितने भी कवि थे वो छायावाद के बारे में ज्यादा सोचते थे। शमशेर ने एक ही संधान में निराला और पंत दोनों को साधा, ठीक है। निराला और पंत जो है ना, दो कवि हैं, उस दोनों के तरीकों को अपनाने का काम किया। कविता, चित्र, संगीत, नाटक, नृत्य, मूर्ति आदि विभिन्न कलाओं में कलाओं के सृजनात्मक प्रभाव उन्होंने अपनी कविता की स्वायत्त जमीन और शर्तों पर ग्रहण किया, यानी कि इस सभी कलाओं को अपनाने का काम किया। स्थानीय और सार्वभौमिक, क्षणिक और सनातन, क्षणिक मतलब जो हाल फिलहाल का चीज है और सनातन मतलब जो हिंदू धर्म का पुराना चीज है। जटिल और सरल, यानी कि जो कठिन है वो भी और आसान वाला दोनों। ठोस और वायवीय, मूर्त और अमूर्त, अमूर्त केंद्रीय और आध्यात्मिक, ठीक है, इंद्रिय और आध्यात्मिक। तमाम तरह के विरोधों को अपने जो है विलक्षण वस्तु विधान और इंद्रिय संस्पर्श के साथ कल्पना प्रवण अनुभूति के रंग में डुबोकर एक सजीव जो है संरचना में ढाल देते हैं। मतलब जितना भी विरोधी भाषी चीज है, मूर्त हो, अमूर्त हो, जटिल हो, आसान हो, सनातन हो या कोई नया चीज हो, सबको इन्होंने अपनी रचना में शामिल करने का काम किया। उनमें अद्भुत कला संयम, यानी कि संयम था उनमें, संक्षिप्ति और संक्षिप्त में चीजों को दिखाते थे। आप देखेंगे तो आपका कविता भी बहुत ही संक्षिप्त में है, छोटा है कि नहीं, संक्षिप्ति और सांकेतिक है, संकेत की चीजों में दिखाने का काम करते थे। उनकी कविताएं एक अनिवार्य चुनौती की तरह दीपाती रहती हैं, मतलब इजोत करती हैं। ऐसी चुनौती जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो, वे कई कई पाठों में भी अक्सर निशेष नहीं होती, यानी कि सभी पाठ में देखने को मिलता ही मिलता है। उनमें कुछ चमकता रह जाता है, क्या जो संक्षिप्तता है वो, शॉर्टकट में चीजों को दिखाने की जो कला है वो। आप देखेंगे आपका कविता भी बहुत ही क्या है, शॉर्टकट में लिखा गया है। उनमें कुछ चमकता रह जाता है जो अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। प्रायः उनके समकालीनों से लेकर अब तक के सभी महत्वपूर्ण आलोचकों और चिंतनशील सर्जकों ने उन पर जो है अवश्य लिखा है। उनके समय के जो कवि थे वो और आज के जो कवि हैं वो, उन्होंने सभी ने आपके कवि के बारे में लिखने का काम किया है, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में, और उनकी कविताओं को समझने समझाने की कोशिशें की हैं। वे कवियों के कवि कहे जाते हैं, जो आपके कवि हैं वो कवियों के कवि कहे जाते हैं अपने अलग प्रकार के गुण के कारण। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो उषा चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें क्या दिखाया गया है उसको आप समझना शुरू करिए। उषा जो शब्द है इसका मतलब होता है वह समय जो न तो रात है और न ही सुबह है, मतलब धीरे धीरे सुबह हो रही है लेकिन सूर्य अभी नहीं उगा है, उस समय को हम कहते उषा। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, यहाँ उनकी प्रसिद्ध कविता उषा संकलित है, जिसमें उन्होंने उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत करने का मतलब है कि कैसे धीरे धीरे उषा जो है खत्म होता जाता है और सुबह का समय होता जाता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो दृश्य भी बदलता है और धीरे धीरे प्रकाश फैलता है, सूर्य दिखाई देने लगते हैं, इसी सब चीजों का वर्णन है। क्या है यहाँ, यह चित्रण एक प्रभावशाली चित्रकार की तरह किया गया है, यानी कि पिक्चर के रूप में दिखाया गया है कि भोर का समय ऐसे दिखता है, फिर सूर्य उगता है तो ऐसे दिखता है। प्रभाववादी चित्रकार वस्तु या दृश्य के मन और संवेदना पर परे प्रभाव का उनकी विशिष्ट रंग रेखाओं के सहारे जो है चित्रण है, यानी कि आप रंग के आधार पर उषा समय का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है कि उषा कैसा किस रंग का दिखाई देता है। उषा में एक जादू है, एग्जाम में पूछेगा किस में जादू है, उषा में, जिसमें जिसमें विमुग्ध, तल्लीन और
कवि दृष्टि उसके साथ साथ बढ़ती और उसे सजग इंद्रिय बोध और मानस से सज जो है जब्द जज्ब जज्ब करती जाती है। कविता का समापन इस जादू से गुजरते हुए बाहर निकल आने पर होता है, यानी कि उषा का जो जादू है उसका खत्म हो जाना ही, यानी कि इस उषा का समय खत्म हो जाता है जब सुबह हो जाता है, सुबह होते ही इस कविता का समापन कर दिया गया है। उषा के साथ साथ क्रमशः चलती यह यात्रा एक संतृप्ति कर सौंदर्य यात्रा को सौंदर्य यात्रा हो जाती है, यानी कि जब उषा का समय होता है, जब भोर होने वाला है, वहां से लेकर सूर्य के उगने तक का इसमें क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। तो इसके बारे में पहले आप डिटेल में समझिए, तब फिर आप समझेंगे इसको, तो और ज्यादा से आपको समझ में आएगा उषा जो चैप्टर है उसके बारे में। सबसे पहले समझिए कि प्रस्तुत कविता में उषा काल का रंगीन जो है ना चित्र उकेरा गया है। रंग के आधार पर कि कैसा दिखता है, काला दिखता है, केसर की तरह लाल दिखता है, इस सब चीजों को दिखाते हुए किया गया है। अब आपको केवल सुनेंगे। उषा काल का सूर्योदय के पूर्व का काल भारतीय काव्य में भी नहीं वैदिक मंत्र में भी जो है अभिव्यक्ति हुआ है, यानी कि वेदों में भी जो भोर का समय होता है उसका चर्चा किया गया है। वैदिक ऋषियों ने उषा को देवी मानकर उसकी प्रार्थना में मंत्रों की रचना की है। कवि परंपरा प्रकृति वर्णन के प्रसंग में सायं प्रातः का वर्णन करती रही है। शाम का और प्रातः मतलब सुबह का कई कवियों ने वर्णन किया है। उषा जागरण और ज्योति प्रकाश की समवाहिका के रूप में वर्णित होती है। उषा जो समय होता है जागरण का समय होता है, यानी कि लोगों के जगने का समय होता है और प्रकाश फैलने का समय होता है। शमशेर जी ने उषा के काल के पल पल परिवर्तित रूप रंग को कई उपमाओं के सहारे व्यक्त किया है, यानी कि उषा का काल जो है कैसे धीरे धीरे बदलता है उसको उपमा मतलब उदाहरण के तौर पर उदाहरण दे दे करके समझाने का कोशिश किया कि जब उषा का समय खत्म होने लगता तो किसके जैसा दिखता है। सबसे पहले क्या कहा है, कवि प्रातः कालीन आकाश को देखता है, जो सुबह का आकाश है उसको देखता है तो उसका रंग नील शंख की तरह अनुभव होता है। किसके जैसे, नीला जो शंख है उसके जैसे लगता है उषा काल का जो आकाश है वैसा। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि उषा कालीन आकाश किसके जैसा लगता है तो नीला शंख की तरह। वह अनुभव करता है कि अभी पूरी तरह प्रभात नहीं हुआ है, यानी कि पूरा पूरा अभी सुबह नहीं हुआ है, अभी भोर का समय है। भोर वह समय है जब वातावरण में अंधेरा छटने लगता है, यानी कि अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है और प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगता है। समझ में आएगा भोर किसे कहते हैं, और भोर को ही उषा कहते हैं। ठीक है, इस बेला में चारों तरफ की वस्तुएं आसानी से दृष्टिगोचर होने लगती है, यानी कि आसानी से दिखाई देने लगता है। भोर का नव, नव मतलब आकाश, भोर का नव कवि को ऐसा लगता है मानो किसी चौका घर को राख से लीप दिया गया हो। अब चौका घर जानता है, चौका घर क्या होता है, जब गांव के क्षेत्रों में, अब तो इधर तुम लोग गैस पे खाना बनाता है, गांव के क्षेत्रों में जहां पर भोजन बनता है चूल्हे वगैरह होता है वहां पर महिलाएं रोज उसको लीपती है उजला मिट्टी से। ठीक है, उजला मिट्टी नहीं जानती है, जिसको हम कहते हैं गोरिया मिट्टी, गोरा कलर का मिट्टी होता है, काला नहीं होता है, तो उस गोरा कलर की मिट्टी से महिला उसको रोज लीपती है। और जब उषा के आकाश को देखते हैं कभी तो वो कहते हैं कि आकाश ऐसा लग रहा है जिसे चौका घर को राख से लिप दिया गया है। किससे, यहाँ देखो वही लिखा है, भोर का नव कवि को ऐसा लगता है मानो किसी चौका घर को राख से लिप दिया गया हो और अभी घर गीला ही हो, अभी गीला ही है, सूखा भी नहीं है। तो यहाँ पर भोर के आकाश को किसके चित्र में दिखाया गया, तो चौका घर को राख से लिपे हुए चित्र से दिखाया गया कि नहीं। यहाँ आकाश के रंग को राख के रंग के समान कहा गया, आकाश को किसके रंग के जैसा कहा गया, राख के रंग के जैसा। और ओस भींगे आकाश की
उपमा तुरंत लिपे गए चौका घर से की गई, बोला है कि नहीं कि अभी गीला ही है, गीला ही है मतलब ओस है, तो ओस को गीला या तुरंत लिपे गए जो है ना घर से तुलना किया गया है। थोड़ी देर बाद यानी कि उषा के कुछ देर के बाद, थोड़ी देर बाद कवि को लगता है कि आसमान एक बहुत काली सील की तरह है। काली सील, सील जो है एक तरह का जो है ना सील मतलब नहीं जानते हैं, सिलोटी समझ में आ रहा है, तो सील मतलब होता है सिलोटी जिसपे आप मसाला पीसते हैं। तो उषा के थोड़ी देर के बाद कवि को आसमान कैसा लगता है, थोड़ी देर बाद कवि को लगता है कि आसमान एक बहुत काली सील की तरह है जिसे जरा से लाल केसर से धोया गया है। यानी कि इस काला चीज पर लाल केसर जब आप लगाएंगे तो कैसा लगेगा, वैसा ही लग रहा है आसमान, ठीक है, अर्थात आसमान का रंग लाल केसर में धूली काली सील की तरह है। जो काला पत्थर है उसमें केसर लगा दीजिएगा तो जैसा आपको लगेगा वैसा ही लग रहा कौन, आसमान, कुछ देर के बाद, ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि उसके बाद आकाश का रंग स्लेट की तरह हो जाता है, स्लेट तो जानते हैं जिस पर आप लिखते थे काला वाला स्लेट, वैसा हो जाता है जिस पर आप स्लेट ही नहीं, स्लेट पर अब क्या है, लाल खड़िया, खड़िया मतलब जो पेंसिल होता था चौक होता था, लाल पेंसिल जब स्लेट पर आप घस देते हैं तो कैसा लगता है, वैसा ही लग रहा है कवि को आसमान, ठीक है। लाल खड़िया यानी कि लाल रंग की खल्ली मल दी गई हो, इन चित्रों, इन दोनों चित्रों में काली सील या स्लेट को लाल केसर से धोने या लाल खड़िया से मलने का अर्थ है कि सूर्य की लालिमा क्रमशः छटती जा रही है। मतलब देखिए काला पत्थर है उसको केसर से धो रहे हैं, यानी कि केसर जैसा ही सुबह का जो सूर्य है केसर वो होता है, केसर आपको पता नहीं है, बढ़िया है, केसरिया रंग देखे है ना झंडा में, वही तुम समझो केसर तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो झंडा, झंडा में जो केसरिया रंग है वही समझ लो कि वही कलर को केसरिया कहा जाता है, ठीक है। तो आपने समझा, जब काले पत्थर को केसर से धोने का मतलब है कि आसमान काला था और उसमें केसर का जैसा कौन आ चुका है, सूर्य, सूर्य आ चुका है, स्लेट भी काला होता है और उसको लाल खड़िया से घसने का मतलब है कि सूर्य का लाल रोशनी अब उस पर धीरे धीरे क्या है, पड़ता जा रहा है, ठीक है, जो है छिपती जा रही है। अब कालिमा समाप्त हो जाती है, जब सूर्य बहुत निकल जाते हैं तो पूरा कालिमा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है तथा पूरी सफेदी फैल जाती है। कवि को लगता है कि नीले जल में किसी को नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही है। अगर पूरा आसमान मतलब पूरा सूर्य निकल आते हैं तो ऐसा लगता है आसमान की नीला जो है जल है और उसमें कोई गोरा आदमी समझ लो कि क्या है, तैर रहा है, झिलमिला रहा है। यहाँ आकाश के रंग को नीला और जल और उषा काल के रंग को गोरे देह से उपमित किया गया, यानी कि बताया गया है कि भाई उषा जो है ना अब गोरा देह हो चुका है और अंततः उस उषा का रंगों भरा जादू टूटता है और सूर्योदय हो जाता है। मतलब उषा का समय खत्म हुआ और सूर्य उग जाते हैं और चारों तरफ लालिमा भरा प्रकाश फैल जाता है। तो बस इसी चीजों को दिखाया गया, दो तीन चित्र दिखाया गया। अब देखिए लाइन पढ़िए, सारे चीज आपको यहाँ भी सेम टू सेम मिलने वाला है। प्रभात नभ था बहुत नील शंख जैसे, यानी कि प्रभात यानी कि उषा का जो नभ मतलब आकाश है बहुत ही नीला शंख के जैसा था। भोर का नभ, कब का नभ, सुबह का नभ, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। और भोर का जो आकाश है वो कैसा दिख रहा था, जैसे चौका घर को राख से क्या कर दिया गया है, लिप दिया गया है और अभी गीला पड़ा है, अभी सूखा भी वह नहीं है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, ठीक है, केसर से की जैसे धुल गई हो। बहुत काली सील, सील मतलब सिलौटी, अभी जस्ट बताए हैं, तो काला सिलौटी को लग रहा है कि केसर से क्या किया गया है, धो दिया गया है, ऐसा आसमान दिख रहा है। सलेट पर
या लाल खड़िया चाक मल दी गई हो। स्लेट पर जैसे लग रहा है कि लाल पेंसिल क्या कर दिया गया हो, मल दिया गया हो, ऐसा आसमान लग रहा है। नील जल में या किसी की नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और जब सूर्य उगाते हैं तो लग रहा है कि जैसे आसमान को नीला बोला गया है और जो ऊषा को गोरा देह बोला गया है उसमें झिलमिला रहा हो, जब पूरा आसमान फ्रेश न हुआ हो उस समय को बताया जा रहा है। और अंत में क्या होता है, जादू टूटता है इस ऊषा का अब। तो एग्जाम में पूछेगा किसका जादू टूटता है, ऊषा का जादू टूटता है और सूर्य हो सूर्योदय हो रहा है, यानी कि सूर्य उग रहा है। तो इस तरह से आपने यह भी देख लिया। अब आप एक दो क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए यहाँ से। प्रातः काल का नभ कैसा था, सही प्रातः काल का जो नभ है कैसा था, राग से लिपा। पहला ही लाइन में लिखा है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ठीक है, नीला शंख के जैसा था प्रातः काल का नभ। तो जस्ट पढ़ेंगे जस्ट भूल जाएंगे तो गलत बात है। राग से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है, तो कवि ने आप लिखेंगे कि राग से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने ऊषा यानी कि भोर के आसमान को दिखाने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि जो आसमान है जैसे लग रहा है कि चौका घर को राग से लिप दिया गया है और वो अभी गीला ही है, इसका मतलब ओस है, ठीक है। बिंब स्पष्ट करे क्या है, देखिए बहुत काली सील जरा से, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो इसका अर्थ आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। तो बहुत काली सील मतलब सिलौटी, काला पत्थर, उस पर क्या किया गया है, लाल केसर से उसे धो दिया गया है। तो ये किसको बोला गया है, आसमान को। बोलेंगे इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ऊषा काल का जो आकाश है, आसमान है यानी कि नभ है, संक्षेपण के तरह वो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कि काला सील को लाल केसर से क्या कर दिया गया हो, धो दिया गया हो। ऊषा का जादू कैसा है, ऊषा का जादू कैसा है, तो ऊषा का जादू रंग भरा है, कैसा है, अलग अलग रंग से दिखाने का काम किया गया है कि नहीं। लाल केसर और लाल खड़ी चाक, खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है, तो सूर्य के लिए प्रयुक्त है, ठीक है। ऊषा का रंग तो काला है, ये लाल कौन है इस बीच में, सूर्य, ठीक है। व्याख्या करे तो व्याख्या करने वाला तो कर लेगा, नहीं यही नहीं होता। हाँ देखिए कैसे व्याख्या करेंगे, जादू टूटता है उस ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब ये लाइन आ गया तुम्हारे एग्जाम में, कहेगा निम्नलिखित पंक्ति का व्याख्या करे। तो सबसे पहले आप पता करिए कि यह पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है, यहाँ ना तुमको जान पता चल रहा है, लेकिन एग्जाम में जब तक आप यहाँ से प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा, सभी कविता को ध्यान में नहीं रखिएगा, तब तक पता नहीं चलेगा। तो आप सबसे पहले पता करेंगे कि किस चैप्टर का लिया गया है, यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया, और दूसरा इस चैप्टर के लेखक कौन है। और फिर आप ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति ऊषा कविता से लिया गया है, फुल स्टॉप, ऊषा कविता के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से ऊषा काल का वर्णन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जब सूर्य उदय हो जाता है तो ऊषा का जादू टूटता, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है और अब सूर्य क्या हो रहा है, उदित हो रहा है। ये तो 5 से 7 लाइन आपको क्या करना, एग्जाम में जाके लिखना है। दूसरा कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई, अब इसका तुमको व्याख्या करना है। तो क्या बताएंगे, बताएंगे कि यह पंक्ति ऊषा पाठ से लिया गया है और इस पंक्ति के लेखक फलना है शमशेर बहादुर सिंह, बता देंगे। अब लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ऊषा के चित्र को दिखाने का कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि ऊषा का जो आसमान है ना, वो किसी काली सील की तरह है जिस पर लाल केसर से जिसे क्या किया गया है, धो दिया गया है। यहाँ पर काली सील ऊषा के आसमान को बताया गया है और लाल केसर जो है सूर्य के प्रकाश को बताया गया है। लाल केसर किसको, सूर्य के प्रकाश को बताया गया है।
इस कविता की बिंब योजना पर टिप्पणी करे। बिंब योजना देखो पिक्चर के रूप में दिखाए कि नहीं, कि नीला शंख के तरह दिख रहा है, तो सील के सील पर लाल केसर मला हुआ दिख रहा है, या फिर स्लेट पर चौक मला हुआ, लाल चौक मला हुआ दिख रहा है। तो आप सारी बातों को लिख देंगे कि इस चित्र में इस कविता को दिखाया गया है, और अंत में उषा का जादू टूट जाता है। प्रभात नव की तुलना बहुत नील शंख से क्यों की गई है? जो सुबह का नव है, नव मतलब आसमान है, वो सील से क्यों किया गया है, सील नहीं नील शंख से क्यों किया गया है? क्योंकि सुबह का जो आसमान है वो नीला नीला क्या होता रहता है, दिखता रहता है, जैसे कि नीला शंख होता है। 9 नंबर प्रश्न, नील जल में है ना किसकी गौर देह हिल रही है? तो उषा की गौर देह, ठीक है। नील जल बोला गया सूर्य के प्रकाश को, आसमान के रंग को जब सूर्य आ जाता है तब, और गौर देह किसका है, तो उषा का है। एक क्वेश्चन है कि कविता में आरंभ से लेकर अंत तक की बिंब योजना में गीत का चित्रण कैसे हो सका है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। गति का चित्रण कैसे हो सका है, तो गति क्या है, सबसे पहले नीला शंख, उसके बाद जो सील, हाँ लाल केसर से, अच्छा नीला शंख पहले, फिर चौका घर का किया गया है, चौका घर के बाद हल्का आगे समय बढ़ा तो क्या बोला, सील जिस पर लाल केसर माला हुआ है, फिर हल्का आगे बढ़ा तो क्या हुआ, तो फिर हल्का आगे बढ़ेंगे तो सिलेट का चित्र दिया गया है, तो समय के साथ आगे इसे अब सजा करके लिख देंगे कि पहले इसका चर्चा हुआ है, फिर कुछ देर के बाद इसका, कुछ देर के बाद इसका। तो इस तरह से आप ये देखेंगे, अब कुछ कविता बचे हैं जिसको आगे के क्लासों में क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। चलिए हम लोग अब मिलेंगे फिर सोमवार को, ठीक है, हाँ कल बंद रखिए आप लोग।